भारत का संविधान और भारत की संसद सुप्रीम है, ये भारत की हर राजनीतिक पार्टी, भारत का हर नागरिक जानता है। ये वक्तव्य आना कि भारत की संसद द्वारा पारित कानून पर मुख्यमंत्री को संदेह है, ये भारत की संसद का अपमान है। मैं आशा करती हूँ कि भारत की संसद की गरिमा पर इस प्रकार का आक्रमण लोकतांत्रिक ढांचे में कोई स्वीकार नहीं करेगा। मैं दोबारा अपील करती हूँ कि जो CAB CAA का कानून है वो हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक को अपने अधिकारों से वंचित नहीं करता। वो लोग जो वर्तमान में दंगाई एलिमेंट्स को सहारा दे रहे हैं, मेरी अपील है कि प्रदेश की सरकारें उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। मेरी अपील है भारत के सभी नागरिकों से कि किसी की राजनीति में आप तंत्र ना बने। एक बार फिर दोहराती हूँ कि भारत की संसद ने संविधान का संरक्षण भारत के नागरिकों के लिए और सशक्त किया है और संविधान के दायरे में रहकर भारत के नागरिकों का हित हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा। ये भारत की संसद का और बीजेपी ने NDA का वचन है। लोग खत्म हो गए, ये अवस्था अभी लोग खत्म हो